हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग होंगे? बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। तो गाइज, बहुत दिनों से हम ब्लॉग नहीं डाल रहे थे, तो आज हम ब्लॉग बना रहे हैं अपना नया, क्योंकि आज गाइज छुट्टी है तो टाइम नहीं मिल पाता था ब्लॉग के लिए। तो आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि आज छुट्टी है गाइज, मोहरम की, आपको पता ही होगा। तो गाइज, हमने बहुत दिनों पहले वो लिया था ब्लॉगिंग के लिए, अपना क्या कहते हैं सेटअप के लिए, माइक और ट्राई वो लिया था मैंने ट्राईपॉड। तो गाइज, आज हम उसकी रिव्यू करेंगे कैसा है कैसा नहीं, आज आपको दिखाएंगे हम वो कितने का पड़ा हमें, कैसे कैसे कहाँ से लाया। तो गाइज, वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो गाइस, ये रहा हमारा ट्राइपॉड और ये रहा अपना माइक, और करते हैं इनको जल्दी से अनबॉक्स, देखते हैं फिर कैसा आपको दिखाते हैं। मैं तो देख ही लिया है, पर एक बार आपको दिखाते हैं। तो अपना ट्राइपॉड है, वाइट कलर में लाया हूँ गाइस, दूसरा कलर था नहीं अवेलेबल। ये अपना ऐसे खुलता है अपना, और उसके बाद ये यहाँ पर ये अटैच हो जाता है, यहाँ पर ये फ़ोन लगाने के लिए ये एडजस्टेबल है, और ये ऐसे भी रोटेट होके भी लग सकता है। और इसमें क्या कहते हैं सेंसर बटन आता है, आप दूर से भी वो कर सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं ऑन ऑफ जो भी आपको करना है, स्टॉप स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कहते हैं रख भी सकते हैं आप इसे, ठीक है, स्टैंडेबल है, स्टैंड कर देता है। और क्या कहते हैं ये देखिए, लंबाई बहुत अच्छी है इसकी, आप इसे फोटो स्टिक में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए मतलब बढ़िया है माइक, वर्थ इट है पैसों के हिसाब से, 250 में मिला है हमें माइक, ठीक है। तो 250 में ट्राइपॉड मिला है सर। और ये अपना माइक है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, पर लेकिन शुरू में मैंने सोचा यही ले लेता हूँ। ये अपना माइक है, इसके अंदर ये अपना माइक, और ये अपना रिसीवर, और ये अपना एप्पल, एप्पल के लिए अगर आप एप्पल का फ़ोन है तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, सारे वो मिल जाते हैं इसके अंदर लीड। और ये अपनी डाटा केबल आई है इसके अंदर, देख सकते हैं हम, छोटी डाटा केबल देते हैं नाम करने के लिए। ये देखो सी टाइप की डाटा केबल, चार्ज होता है, ये चार्जेबल माइक है, ठीक है। क्वालिटी आपको बताता हूँ मैं अभी वीडियो में आगे, कैसी आई कैसी नहीं आई, ठीक है, आप बताना बाकी कमेंट में कैसी लगी क्वालिटी, अगर ठीक लगेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करवाएंगे। और कुछ आया नहीं इसमें, पेपर वेपर आया चाइना के भाषा में लिखे हैं, ठीक है। और यही था अपना गाइस, ये हमें 300 कपड़ा 250 कपड़ा पैसों के हिसाब से, ठीक है, वर्थ इट है ये। आप जैसे बिगनिंग है किसी के, कोई बिगनर है तो वो यूज़ कर सकता है, मैं भी बिगनर हूँ तो मैं शुरू में यही यूज़ कर रहा हूँ, बाद में अपना जैसे बढ़ते जाएंगे बाद में अपना महंगा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अभी शुरू में अपने यही ले लिया है। तो अभी आपको टेस्ट करवाते हैं कैसा लगा बताना, यहाँ पर लगाने का लगा लेते हैं पहले, तो ऑन हो जाता है, यहाँ पर इसका बटन दे रखा है, लग चुका है। अब गाइस माइक की आवाज़ बताओ कैसी आ रही है आपको आवाज, ठीक है गाइस, हम जैसे आपको थोड़ी बहुत ठीक आ रही है आवाज़ मेरे हिसाब से, तो इसमें मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ है जो आपकी बहुत ज़्यादा लो हो रही है बैकग्राउंड की नॉइज, तो अच्छा माइक है मेरे हिसाब से तो, फिर भी पैसों के हिसाब से। और गाइस आपको बताओ कैसा लगा, इसी से करेंगे ब्लॉगिंग, अगर ठीक लगा आपको, अगर ठीक नहीं लगा तो गाइस चेंज करवा के आएंगे फिर, ठीक है। बस इसने में बस इतना ही, अब देखते हैं आगे, ठीक है। सो गाइस, आफ्टरनून हो चुका है और हमने पासन लगाया डेबिट कार्ड का, तो वो आ चुका है, ठीक है, ये भाई का एटीएम कार्ड है इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं गाइस दोस्त के घर, वहाँ पर कुछ काम है, उसके बाद चलेंगे गाइस फ़ोन लेने, आज आईफोन लाना है हमें अपना, आईफोन 6 देखा है मैंने अपनी ब्लॉगिंग के लिए, तो वह लेने चलेंगे। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू करने दें ताकि आगे आपको पता चले फ़ोन कैसा है, कितने का पड़ा, कितने GB, कैसे क्या है, सब आपको बताएंगे। बोल भाई, खोलते देखते हैं फिर कैसा एटीएम कार्ड मंगाया है, मेरे ख्याल से वो डिजाइनर मंगाया कुछ डिजाइन भी आने ना, दिखा तो दे कौन सी बैंक का है भाई, HDFC बैंक का है, एटीएम कार्ड खो गया था, अपना एटीएम कार्ड आप भी फ्री में अप्लाई कर सकते हो, और फ्री में आते ही ये फालतू का पेपर आया, ये रहा अपना डेबिट कार्ड। तो भाई रात हो चुकी है गाइस, दिन में आपको पता हो तो बारिश आ रही थी, बारिश आने के कारण गाइस हम वहाँ नहीं जा पाए फोन लाने के लिए, और मम्मी ने मेरे को आज पैसे नहीं दिए इसी के कारण, मम्मी बोल रही है कि दिन में दूंगी। तो गाइस अब हमारी छुट्टी आज की थी, कल से फिर स्कूल है, तो संडे को ही जाएंगे और संडे को फोन लेके आएंगे, तो आपको जो फोन का वो जो ब्लॉग मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में भी आपको फोन देखने को मिलेगा, हम फोन का पूरा ब्लॉग अपडेट कर देंगे, जो भी आप ब्लॉग हम अगले ब्लॉग में बनाएंगे, फोन का जो भी अपना आएगा कितने का पड़ा क्या हिसाब है जो भी हम आपको दिखाएंगे। ब्लॉगिंग के लिए हम फोन ले रहे हैं, और हमने स्कूल वर्क के लिए भी हम थोड़ा बहुत ले रहे हैं, उस चक्कर में छोटा मोटा फोन ले रहे हैं, बाद में लेंगे दूसरा फोन, और फिलहाल हम वो लेंगे तो आपको उस फोन की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो ये वाला ब्लॉग इतना ही बस, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या कहते हैं शेयर करना वीडियो को, और कमेंट भी करके बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है गाइस, बस आज के लिए इतना ही, बाय।